काजाकोटी लगातार मैम के पहल से जो है वहाँ पे बहुत अच्छी वो शुरुआत हुई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसको दिल्ली हाट के तर्ज पे जो है डेवलप किया जा रहा है। काजाकोटी एक विरासत की चीज़ है, आप सभी लोग जानते हैं, तो विरासत में जो है नई आधुनिकता जो है वहाँ पे समागम किया जा रहा है, और उसको एक ऐसा एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट के रूप में पूर्णिया का डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि फूड स्टॉल्स भी होंगे, उसके अलावा क्राफ्ट स्टॉल भी होंगे, और कुछ परमानेंट होंगे कुछ ओपन होंगे। जैसे पेड़ वहाँ पे है तो उसमें चबूतरा बना के वहाँ पे भी जो क्राफ्ट्स की चीज़ें हैं, जीविका की दीदियाँ हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। उसके अलावा जो है जो परमानेंट है वहाँ पे कैफेटेरिया वगैरह भी बन रहा है। इसके साथ ही काजा की जो हिस्ट्री रही है उसके लिए एक वॉल पैनल जो है, जो आपने देखा होगा जो ट्रेनिंग सेंटर था उसमें एक वॉल पैनल बहुत अच्छा बनाया जाएगा, जिसमें सारा डिटेल रहेगा प्रदर्शनी के माध्यम से कि इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या कैसे रहा है। इसके अलावा एक एडवेंचर टूरिज्म का भी चीज़ रहेगा, छोटी छोटी MTV और ये सब उसमें डाला जा रहा है। आप देखेंगे कि वहाँ की सबसे बड़ी विरासत मुझे जो दिखती है वो है बहुत पुराने पेड़, 100-150 साल पुराने पेड़, उन सभी पे सेल्फी पॉइंट्स और ये सब भी बनाए जाएंगे ताकि जो नए जनरेशन है वो उस चीज़ों से लर्न कर पाए। तो काजा को एक बहुत ही नवीन तरीके से डेवलप किया जा रहा है, लेकिन उसमें विरासतों की भी सुगंध जो है आपको मिलेगी, और लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएंगे एक आइकोनिक प्रोजेक्ट के रूप में, और मैम का ये बहुत बड़ा पहल है। अभी जैसा कि आपको जिला पदाधिकारी ने विस्तार से बताया है कि सरकार की क्या मंशा है, सरकार के इस तरह की जहाँ भी विरासत वाली जगह वो एक इस क्षेत्र का, इस जिले का एक विरासत से भी जुड़ा हुआ है, और अभी के युग में कैसे उसको आधुनिकीकरण दिया जाए उसमें, और दिल्ली हाट के तर्ज पर वहाँ पर विकसित करना है, और अभी कई चीज़ें पहले भी कुछ काम हुआ था फिर अभी भी चल रहा है, और भी आगे का प्लान है कि वहाँ एक पर्यटन स्थल के रूप में उसको विकसित हम लोग करने के लिए उसमें काम कर रहे हैं, और भी उसमें जो भी धन की आवश्यकता होगी हम लोग देंगे। उसमें जो आर्किटेक्ट भी है वो भी आए थे कल, DM साहब के साथ वहाँ गए भी थे, लोग देखे भी हैं, अभी काम भी चल रहा है, करीब 5 करोड़ की राशि से वहाँ पर काम भी चल रहा है, और भी हम लोग दिलाएंगे, यदि और भी राशि की आवश्यकता होगी। वो इस क्षेत्र का, जिले का एक धरोहर है, और इस आधुनिक युग में कैसे आधुनिकीकरण हो वहाँ पर उसकी व्यवस्था की जा रही है, ताकि एक जगह है जहाँ लोग जाके, ग्रामीण एरिया में इतना बड़ा जगह है, इतना पानी वाला एरिया है, पुराना पुराना वृक्ष है, तो ये एक धरोहर है, उसको हम लोग संजोग कर रखेंगे, और सरकार इस तरह की जहाँ भी जगह है, जो पुरानी जगह है, जो विरासत है, उसको विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बोटिंग वगैरह भी चलता था क्या? अब फिर हम लोग शुरू करवाएंगे, फिर उसका प्लानिंग चल रहा है कि वहाँ भी बोटिंग हो, जो लोग आएंगे बच्चे लेके आएंगे घूमने आएंगे, उसके लिए उसको विकसित किया जा रहा है।